नमस्कार। नीट को लेकर अगर आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो आज इसी कंफ्यूजन का सलूशन लेकर हम आए हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। मेरे साथ बगल में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सिद्धांत सोलंकी जो कि एमडी हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए धनंजय शाह जो कि सीईओ हैं मोक्ष के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट को लेकर। जिस तरीके से लगातार हंगामा होना शुरू हुआ, इस हंगामे की बहुत सारी वजह थी। जैसे ही रिजल्ट सामने आया, ग्रेस मार्क्स पता चले लोगों को, खासतौर से स्टूडेंट्स को, कुछ जिस तरीके से हंगामा होना शुरू हुआ, उस हंगामे ने कहीं ना कहीं एक तरीके का विवाद खड़ा कर दिया। ये विवाद कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। इसी पर आज खास बातचीत करने के लिए, और आपको किस तरीके से नीट यूजी की तैयारी करनी है या फिर नीट की तैयारी करनी है, और खास तौर से आपको मेडिकल में अगर करियर बनाना है तो ये आपके लिए कितना बेहतरीन हो सकता है, ये विकल्प आप मेडिकल को ही क्यों चुने, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा धनंजय शाह जी से जो कि सीईओ है मोक्ष के। धनंजय जी, ये जो विवाद इस वक्त चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देने वाली है, इन सब के बीच ग्रेस मार्क्स वाला जो फैक्टर था जिसको लेकर इस वक्त हंगामा चल रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, एनटीए पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आपका फर्स्ट ओपिनियन क्या होगा? पल्लवी जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से ये थोड़े बच्चों की वजह से बहुत बच्चों को असर हो गई है, और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है कि पेरेंट्स और बच्चे, मेजॉरिटी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पेरेंट्स को पूरा रोड मैप नहीं पता होता, उनके सॉल्यूशंस नहीं पता होते, कंफ्यूजन्स काफी पेरेंट्स को हैं, और वो स्टूडेंट को कोई डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रहे एट द मोमेंट, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से सारा चीज रुक गया है। सो इस चीज में अगर मैं आपको सही बताऊं तो एनालाइज करने जाओ तो मेरा जो कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 92% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अराउंड 43% लोग ऐसे हैं जो अनक्वालिफाइड हैं। तो उनको फर्क, अगर नीट रिपीट भी होता है तो वो होगा कि वो क्वालिफाई होने का और एक मौका मिलेगा। उनको ये होप नहीं होता कि मुझे 620 आ जाएंगे, मुझे इंडिया में गवर्नमेंट में मिल जाएगा। जो 200 पे बैठा है, 300 पे बैठा है, सबको अपना अपना मार्क्स पता है, अपनी रैंक पता है। दूसरी चीज, 2023 की कट ऑफ रैंक सबको पता है। अगर वो देख के, अगर आपको पता है कि भैया दिल्ली में 1500 रैंक पे खत्म हो रहा है और मैं 30,000 पे 40,000 पे बैठा हूँ, अब नीट रिपीट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके डिसीजन में, पर वो लोग रुक गए हैं कि क्या होगा। सो इन शॉर्ट, 500 स्कोर जिसका है या ऊपर है, या तो बजट जिसका 40-50 लाख के ऊपर है, इन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है, और वो 5-8% के अंदर ही रहते हैं। बाकी जो 500 स्कोर के नीचे है एग्जिस्टिंग रिजल्ट में और 40 लाख के नीचे का बजट है, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग वेयर विल आई सेट अप माई करियर, हाउ विल आई प्लान माई करियर। मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो क्या मैं अब्रॉड चला जाऊं, क्योंकि अब्रॉड की भी इंस्टीट्यूट कोई वेट नहीं करने वाली आपके लिए, या मैं आयुर्वेदा में चला जाऊं, मैं कहां जाऊं, वो सब सोचना चालू कर देना चाहिए। मतलब अगर अभी आप सोच रहे हैं, इन विवादों में फंसे हुए हैं, इन विवादों पर ध्यान दे रहे हैं, तो शायद इस वक्त आप अपना समय खराब कर रहे हैं। Absolutely. हमारे साथ सिद्धांत सोलंकी भी जुड़े हुए हैं, ECFMG सर्टिफाइड, बाहर से भी पढ़ाई करी है इन्होंने, यानी अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करी है इन्होंने। डॉक्टर सिद्धांत, इसी सवाल पर जो मैंने धनंजय जी से पूछा, आपका क्या ओपिनियन है इस वक्त नीट प्रोटेस्ट और जो इस वक्त पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ है विरोध से, उस पर आपका एक ओपिनियन 2 सेंटेंस में भी अगर आप बोलना चाहें तो फिर हम बाकी गेस्ट जाएंगे। डेफिनेटली ये बहुत लोगों को अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज सब पूरे पूरे साल पढ़ते हैं टू गिव द एग्जाम ऑन दैट डे, एंड कुछ लोगों की वजह से रिजल्ट इस तरीके से आ जाते हैं दैट कि 2-3 महीने और खराब होते हैं, तो इट्स अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स। बट या कन्फ्यूजन में रहने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जितनी आपने तैयारी की, अगर रिपीट एग्जाम होगा भी तो आपके नंबर 20+-20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, जो रेंज में होगा उसी में होगा। तो जैसा सर ने बोला कि मुश्किल से मुश्किल 8-10% को इसका फर्क पड़ेगा और किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। सो इट्स बेटर टू एक्ट नाउ कि वॉट विल यू डू नेक्स्ट। आपका एडमिशन होता है नहीं होता है, वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है एक बार एग्जाम देने के बाद। सो इट्स बेटर टू टेक अ डिसीजन, एंड डेफिनेटली अगर आपको MBBS परस्यू करना है इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, आपके रैंक पे आपको क्या मिल रहा है, तो आप प्लस माइनस करके अपना देख सकते हैं, रादर देन यू नो अपनी मेंटल हेल्थ खराब करना। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और उससे पहले ही आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जा रहा है इन सब सभी चीजों को देखकर, तो शायद
आप वाकई जिस तरीके से धनंजय जी ने कहा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर शलभ गुप्ता के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर शलभ, चूंकि आईए में अक्सर कई बार चर्चाओं में रहा है और जाहिर है कि जिस तरीके से बच्चे इस वक्त मेडिकल की पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा रुख कर रहे हैं, आपका एक ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगी उस पर। जी थैंक यू मैडम। 2016 में जब ये नीट यूजी स्टार्ट हुआ था तो 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और आज की तारीख में 23.5 लाख बच्चे, लगभग 24 लाख बच्चे दे रहे हैं। तो आप एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है इससे कि ये जो प्रोफेशन है डॉक्टर्स का, ये एक बेसिकली हाई प्रोफाइल प्रोफेशन है जिसमें सभी आदमी घुसना चाहते हैं, नहीं तो 4 टाइम्स पिछले 8 साल में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है इसमें। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे मेडिकल प्रोफेशन में किसी को घुसना है तो सभी माँ बाप की ये आकांक्षा होती है मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े और फिर उसके बाद उसमें एक डॉक्टर बने और आगे चलकर भी वो नीट पीजी भी दे और फिर उसके बाद उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन भी करे वो आगे चलकर, तो ही शुड बी ए कंप्लीट डॉक्टर, कंप्लीट डॉक्टर। पढ़ाई इसके अंदर बहुत टफ है। 720 क्वेश्चन का मतलब 720 क्वेश्चन नहीं है ये, 720 क्वेश्चन का मतलब है एक निचोड़ सारा का सारा 10th 11th 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स का, जो कि आपके बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से जुड़े होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। तो जब इतनी घनघोर पढ़ाई बच्चा करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका पेपर अच्छा हो गया है या पेपर जैसा भी उसका हुआ है, लेकिन उसके बाद में अगर ये लीक हो जाता है या फिर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रणाली पर, तो एक मोरल केवल बच्चे का ही नहीं टूटता है, उसके पेरेंट्स का भी टूटता है, बहुत मेहनत होती है इसमें। तो मेरा मानना तो यही है कि इस तरह के एग्ज़ाम्स लीक नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और साथ में एग्ज़ाम में पारदर्शिता होनी चाहिए और फेयर होना चाहिए, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत मेहनत करती है इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने और शायद यही मसला इस वक्त है क्योंकि स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं कि अगर वो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचता है। एक बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त लोग हमारे से साझा कर रहे हैं वो भी पूछना जरूरी है, उसके बाद और भी सवाल है मेरे पास वो भी मैं पूछूंगी। इस वक्त हमारे साथ नीता जुड़ी हुई है, नीता संधू, उन्होंने एक सवाल पूछा है, सर आई एम गेटिंग 641 मार्क्स एंड सैडली आई एम नॉट गेटिंग एनी मेडिकल कॉलेज दिस टाइम। आपके लिए सवाल धनंजय। सी ये डेफिनेटली एक सैड सिचुएशन है फॉर द पीपल हु आर सपोज टू गेट एंड दे आर नॉट गेटिंग इट। दैट इज डेफिनेटली इट इज अफेक्टिंग द स्टूडेंट्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज आई फील दैट इसमें जो 1 लाख स्टूडेंट जिसको इंडिया में मिलना था, 1,09,000 स्टूडेंट जिसको इंडिया में मिलना था, दैट इज 2.3% ऑफ द टोटल एस्पिरेंट्स। ओके, मतलब टोटली 4.5%, जो 2.3% गवर्नमेंट में मिलना था और 2.2% प्राइवेट में मिलना था, ये जो टोटल करो तो 4.5% है। मेरा इतना ही कहना है कि उसकी वजह से बाकी के 95% स्टूडेंट्स को अपनी करियर के डिसीजंस, अपनी करियर के प्लानिंग, अपने ड्रीम्स, क्योंकि हर बच्चा कुछ न कुछ बनने लायक होता है, चाहे वो नीट दे, हो सकता है कि ही मे नॉट बी गुड इनफ टू बिकम अ डॉक्टर, इट इज सीन इन द रिजल्ट्स इटसेल्फ कि भाई अनक्वालिफाइड हुआ या क्वालिफाइड होके भी बच्चे पहले जाते थे कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है। आज का जो हमारा जो मेन चीज है, जो उसमें मेरा इतना ही कहना है कि दोज पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, अगर नीट रिपीट होती भी है तो वापस ये याद रखो एनटीए ही लेने वाला है। अगर अपना भरोसा एनटीए से ही हटा लोगे तो री लेके भी क्या फायदा होने वाला है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि 95% अपना अपना कट ऑफ रैंक, क्योंकि देखो कितने भी कुछ भी नीट में हुआ हो, अगर हमको नहीं पता हुआ है या नहीं हुआ है, बट हुआ भी है, पेपर लीक भी हुआ है, ये ग्रेस मार्क भी हुए वो तो कंफर्म हो गए हैं, प्रॉब्लम्स भी हुए, रैंकिंग में डिफरेंस आ गए हैं, 1563 लोग जिसने एग्जाम दी थी उसमें से 800 प्लस लोग तो आए ही नहीं एग्जाम में, मतलब कुछ ना कुछ तो था ही, वो तो एस्टेब्लिश हो गया है, बट वो 800 लोग मेरे दूसरे 23 लाख लोगों की जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू निशा, आई कैन सी देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अगेंस्ट द सिस्टम, यू नो विद इन द सिस्टम यू हैव टू बी। और जब डॉक्टर बनते हो, गवर्नमेंट की सीट लेना चाहते हो, और डेफिनेटली ये मार्क वाला बच्चा सिर्फ MBBS नहीं बनने वाला, बेसिक उसका ड्रीम ही पोस्ट ग्रेजुएट तक जाने वाला होता है। Yes, exactly. तो ये शुरुआत है एनटीए से,
इसीलिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो निशा के सवाल के अलग ऊपर जवाब है कि आप लोगों अपना माइंड अभी क्लीन और क्लियर कर दो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। चाहे आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या था? पहले ये फर्क था कि पहले 2018 तक अब्रॉड जाने के लिए आपको नीट यूजी में क्वालिफाई नहीं करना पड़ता था, और दूसरा फर्क ये था कि एंट्री आपकी इजी थी बट एग्जिट जब आप फॉरेन से आते थे तब आपको एफएमजी देना था, करेक्ट है। 2024 में आज क्या हाल है? गवर्नमेंट ने बोला कि यू आर सपोज टू बी अ ग्लोबल डॉक्टर, इंडिया की कॉलेज में नहीं मिलता तो अब्रॉड में भी जाने का हम लोग इक्वलाइजर खड़ा कर दिया है। अब्रॉड भी जाना है तो नीट क्वालिफाई करो, इंडिया में भी पढ़ रहे हो तो भी नेक्स्ट करके एग्जाम दे दो। जो फॉरेन वालों को देनी पड़ती थी और इंडिया वालों को नहीं देनी पड़ती थी, डिग्री लेके समझो मैंने प्राइवेट कॉलेज में डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 1 करोड़ में एक सीट ले ली, मुझे डिग्री मिला, लाइसेंस मिला, इंडिया में पॉसिबल था पहले। 2024 से वो भी इक्वलाइजर आ गया है, चाहे आप फॉरेन से आओ तो आपके पास डॉक्टर बनने के, ग्लोबल फिजिशियन, लाइसेंस फिजिशियन बनने के सपने कभी रुकने वाले नहीं है। सवाल यह है कि आपने कुछ मन में रख दिया है कि मुझे एम्स ही चाहिए था, आपने मेहनत भी की है, बस उस चीज का दुख रहेगा क्योंकि ये स्कैम हो चुका है, जो भी है प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। That's it from my side. बिल्कुल, और ये बहुत सही बात आपने कही है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को यूज आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात चूंकि अब्रॉड की हुई ही है, छेड़ ही दिया है जब जिक्र धनंजय जी ने, तो हमारे साथ तो जुड़े ही हुए हैं डॉक्टर सिद्धांत सोलंकी। सिद्धांत, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, गांव देहात में तो सबसे ज्यादा उसका बेटा क्या करता है तो डॉक्टर, उसकी बेटी क्या करती है तो डॉक्टर, तो डॉक्टर का नाम सुन के ही घर में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी किसी रेप्यूटेड जॉब में मेरा बच्चा है या फिर एक बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है जिसमें करियर भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा और लोगों की मदद भी कर रहा है। लेकिन डॉक्टर सिद्धांत, एक सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या करना चाहिए इस वक्त जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुटेबल होगा इस वक्त, क्योंकि उनको अभी MBBS के लिए इंडिया में वेट करना चाहिए या अब्रॉड की तरफ स्विच करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, ये हर बच्चे के हिसाब से डिफर करेगा उसके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए था और मिल रहा है तो दे शुड गो एंड टेक एडमिशन फ्रॉम दैट। सेकंड कैटेगरी आती है कि कुछ बच्चे थे जिनको गवर्नमेंट चाहिए था बट प्राइवेट मिल रहा है, सो दे हैव ऑप्शंस कि हम ड्रॉप कर लेते हैं या हम प्राइवेट में इफ़ दे कैन अफोर्ड वो सीट ले सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है दे कैन गो अब्रॉड। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अब्रॉड जाना इज़ अगेंस्ट एनीथिंग, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट ने दे हैव मेड द रूल्स कि आप अगर नीट क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अब्रॉड, एंड इवन MCI हैव द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विच दे अलाउ, विच दे एक्सेप्ट कि हाँ आप अगर इन कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं तो आपकी डिग्री हमारे कंट्री में वैलिड है, सो डेफिनेटली दैट इज एन ऑप्शन। बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरे केस में ये था कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ मेडिकल कॉलेज, अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट आई कुड नॉट अफोर्ड, ड्रॉप ईयर आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, so the option I chose was to go abroad and I don't see anything wrong in that because jo bhi tha sab kuch under the laws tha, under the established rules tha, so definitely there is an option and for me I think it turned out to be very good. डॉक्टर शलभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शलभ, बहुत सारे सवाल इस वक्त, एक सवाल जो है वो राजकुमार चौधरी का है, वो पूछते हैं कि वो कह रहे हैं दरअसल कि रीनीट होना चाहिए, खुद आप डॉक्टर सल्लभ क्या मानते हैं, रीनीट होना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सवाल। इतना बड़ा एग्जाम कराना और दोबारा से 24 लाख बच्चों को दोबारा अपीयर कराना एक बहुत बड़ा एक फैसला होगा। अगर हम लोग इस चीज की गहराई में चले जाएं और प्रॉपर जांच एजेंसी या कोई एक एजेंसी जो कि ये चीज पता कर ले अच्छे से कि कहां कहां पर गड़बड़ हुई थी और उसको आप रेक्टिफाई कर दो जिससे बाकी जो बच्चे हैं वो अफेक्ट ना हो, अगेन वही सारा प्रोसेस दोबारा करना, अगेन सेंटर्स को दोबारा एस्टैब्लिश करना, 1 महीना 2 महीने का डिले होना, और जो बच्चे जो आज की तारीख में अच्छे से पढ़ के भी आए हैं और जिन्होंने एग्जाम एक बार ही दिया जाता है, ये बार बार नहीं दे सकते आपके, दोबारा दे दो आप एग्जाम, क्योंकि सेकेंड टाइम बच्चे का मोरल ना तो उतना अच्छा होता है ना उसकी एजुकेशन लेवल उतना रहता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि रीनीट होना चाहिए, मेरे को तो यही लगता है कि एक बार
एक व्यापक ढंग से इसकी जांच हो जाए और पता चल जाए कि कहां पर गड़बड़ी हुई है, उसको ठीक करा जाए। और हर साल एक्चुअली हम पिछले 7-8 साल से चेंजेस हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा पहले भी चीटिंग होती थी नीट के एग्जाम में, फिर हम लोग चप्पलों पे आ गए, हम लोग ये हो गया कि कोई बैंगल्स नहीं पहनेगा, ये नहीं बाल खुले रहेंगे। तो एक ही बार एक ऐसी पॉलिसी डिफाइन हो जाए जिसमें चीटिंग का कोई प्रावधान ना हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज वी आर डूइंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, हर साल ही हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। रीनीट के पक्ष में मैं फेवर नहीं हूँ। हमारे साथ धनंजय जी हैं लगातार जुड़े हुए। धनंजय जी, एक बहुत बहुत बड़ा सवाल जो कि सब पूछ रहे हैं, आई थिंक जितने भी मैं कॉमेंट्स इस वक्त देख पा रही हूँ, सब में एक बड़ा कॉमन सेंस एक सवाल है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकें, हमारे लिए गवर्नमेंट कॉलेज ही सूट करता है, घर वाले उतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उस केस में क्या करें? सी, मेरा ये स्ट्रांगली मानना है, मैं आपको एक, मैं इस सवाल का जवाब 1-2 मिनट लूंगा ताकि बच्चों को क्लैरिटी हम दे पाए, ठीक है? दो चीज है, देखो कई बार ऐसी लाइफ में होता है कि आप कैपेबल हो नॉलेज वाइज या कैपेबिलिटी वाइज बट नॉट फाइनेंशियल वाइज, और अदरवाइज भी होता है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं होती और पर पैसा होता है, ठीक है? सो इंडिया का सिस्टम एक है कि जो दोनों को ऑप्शन देता है, कैपेबल हो पैसे नहीं है गवर्नमेंट में, कैपेबल नहीं हो ज्यादा बट पैसे ज्यादा हैं तो प्राइवेट में है, और अगर आपके पास पैसे कम हैं और कैपेबिलिटी भी एक एवरेज लेवल पे है और आपके पैशन डॉक्टर बनने के हैं तो आप अब्रॉड जा सकते हो। बट एक ही मेरा कहना रहेगा कि ये अज्यूम मत करो, देखो तीन चीज होती है जिसकी वजह से मैंने देखा लास्ट 12 साल में कि बच्चे डॉक्टर बनने का सपना या पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। एक है जो रिस्पेक्टेबिलिटी है, एक है जो प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करने का जो वैल्यू है, और एक लाइफ में सेटल होने का जो तरीका है। अब चीज ऐसी है कि ये तीनों चीज देख के आप अट्रैक्ट तो हो जाते हो बट आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि मैं सच में डॉक्टर, ये तीन ही ऑप्शन है जो मैंने बताए, या तो आप कैपेबल हो, या तो पैसा है, या तो आप जी। तो ये तीन में से अगर आप किसी भी एक पे फिट होते हो तो डॉक्टर बनो, डेफिनेटली दैट्स अ हाईली नोबल जॉब दैट यू कैन थिंक ऑफ, इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जरूरी नहीं है कि इसके सिवा और कुछ बनने के लिए कुछ होता ही नहीं है। मैंने जितने मेडिकल एस्पिरेंट्स को देखा है एक अलग टाइप का उनमें पैशन होता है, कीड़ा होता है दिमाग में कि मैं डॉक्टर के सिवा और कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है? और इस जुनून में वो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो एक ही लाइन पे चलते रहते हैं। टाइम आ चुका है, 2018 से जैसे डॉक्टर प्रेरक ने बताया 13 लाख थे 2024 में, जब तक वो डॉक्टर बन के बाहर निकले 13 लाख के 25 लाख हो गए। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपीट, दिस इज बिकॉज ऑफ द जिद कि मैं रिपीट करके, बट मेरा ये ख्याल है ये आपके प्राइम ईयर्स हैं, एक बार कर लो, सिस्टम को समझ लो, दो बार कर लो, मतलब पहली बार के बाद में एक रिपीट कर लो, आप ऐसे ही रिपीट, और जो तीसरी बार रिपीट करने वाला जो एज पे होता है, जैसे मेरे को 590 आया और सीट नहीं मिला, वो फिर भी लॉजिकल होता है, बट अगर 300 वाला, तो कई ऐसे चीजें हैं इंडिया में, इकोसिस्टम बनी हुई है जो रिपीट बैच बनाने के लिए उनका इंटरेस्ट रहता है, कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है, तो वो सब को आप थोड़ा समझ लो, अपनी करियर के ऊपर फोकस करो, आप किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा, किसी भी ये सब झमेले में मत पड़ो, आपका समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल भी, क्योंकि मेडिकल जर्नी आप ये मत समझो कि 6 साल में खत्म होने वाली है, आपको समझ में आएगा कि जब तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट नहीं बनता हूं तब तक मैं एक, जिस चीज के लिए रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल डिग्री और वैल्यू और पैसा नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब 10 साल का जर्नी है आपका। अगर 10 साल का जर्नी में 1 साल आप 2 साल आगे बढ़ा देते हो तो एवरेज एज आपकी 30+ हो जाती है, सेटल करने के लिए आपको खुद को तकलीफ होती है। तो अभी से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, सच में मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं समझ सकते तो मैं आपको एक सिंपल एक सॉल्यूशन दे सकता हूं। मोक्ष करियर प्लानर करके एक ऐप है, दिस इज हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू प्लान देयर करियर, वो कहां पे खड़े हैं, क्या स्कोर है, इसके ऊपर कौन से ऑप्शंस हैं, और इसके बाद में अगर वो
सफलता मोक्ष को फोन करेंगे तो आपको कंप्लीट करियर का प्लान बना के दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। भैया मैं BAMS मैं आई वुड नॉट सजेस्ट, बट इफ यू वांट टू बिकम अ BAMS, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करो, जो MBBS करना चाहते हो तो BAMS, मैं वो सजेस्ट नहीं कर सकता। देखो आपको हम करियर प्लान करके देंगे ना अभी का 10 साल तक का पूरा। okay. फिर आपको जज करना है वेदर यू आर सुटेबल फॉर दैट और नॉट। सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मोक्ष, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हमको पता है कि आप लोग सब लोग कंफ्यूजन और तकलीफ में हैं। वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। दैट ऐप डाउनलोड कर लो, आप कहाँ खड़े हो उतना सिर्फ ध्यान में रख लो, उसके बाद में वी विल कनेक्ट बैक एंड वी विल गिव यू अ कंप्लीट करियर प्लान इन द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल जो रिलेटेड है। थैंक यू। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप जहाँ जिस वक्त खड़े हैं वहां के लिए अगर आपको कोई कंसल्टेंट मिल जाए, अगर आपको आगे राह दिखाने वाला कोई मिल जाए और बता दे कि भैया ये रहा तुम्हारा पूरा ब्रेकअप, इसको देखो समझो और आगे बढ़ो, तो शायद इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर से वही सवाल कि जब माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं भी भेजते हैं, खास तौर से किसी भी प्रोफेशन में, कहते हैं कि बच्चा तो हमारा विदेश से पढ़ के आया है, लेकिन क्या यही कॉन्सेप्ट मेडिकल को लेकर भी, यानी MBBS को लेकर भी है लोगों के मन में? मेरा सवाल डॉक्टर सिद्धांत सोलंकी से होगा। डॉक्टर सिद्धांत, एक बिगेस्ट मिस कंसेप्शन क्या होता है अब्रॉड में बच्चा पढ़ रहा है मेडिकल या इंडिया में पढ़ रहा है बच्चा मेडिकल, इन दोनों में एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन भारतीय लोगों में किस तरीके का आपने अभी तक देखा है? देखिए मिसकंसेप्शन तो है, क्योंकि अब क्या होता है कि क्राइटेरिया होता है कि आपको कट ऑफ के हिसाब से सीट मिलेगी, और जो बच्चे ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं या जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो बाहर जाते हैं। तो इट्स अ कैटेगरी इन इटसेल्फ कि आप सेग्रीगेट होके बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन बना है। बट अगर आप उसके जो बच्चा बाहर पढ़ने गया है उसको 10 साल हो गए हैं, वापस आ गया है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद अगर आप उसकी काम को देखते हैं, उसका प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, उसके डिसिप्लिन देखते हैं, द व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर ही इज़ वो देखते हैं। अगर मुझे किसी की डॉक्टर के पास जाना तो मैं उससे पहले ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से पढ़े हैं या कहाँ से नहीं पढ़े हैं। सो द गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड एग्जाम्स, वो एग्जाम्स कराते हैं टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन मेडिकल हेल्थ केयर। हर बच्चा असेस होता है इक्वल लेवल पे आफ्टर दे ग्रेजुएट फ्रॉम अ फॉरेन और अब्रॉड कंट्री एज वेल। दे हैव क्रिएटेड FMG एग्जाम्स जिनका एग्जाम साल में 2 बार होता है, सो दैट यू नो स्टूडेंट्स ऑल्सो डोंट गेट अफेक्टेड। तो थिंग्स आर आई विल से दैट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं एज पर द गवर्नमेंट, बट इट्स अ मिसकंसेप्शन क्योंकि द अवेयरनेस इज नॉट देयर। ठीक है, लोगों को पता नहीं है कि ये एग्जाम्स क्यों होते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि बच्चा आएगा, एग्जाम पास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, इट्स अ एग्जाम की क्वालिफाइड है कि नहीं है। और जो ये नीट UG का क्वालिफिकेशन फैक्टर लाना कि अब्रॉड जाने के लिए आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है, दिस इज ऑल्सो सेट्स अ बार कि अगर आप इस परसेंटेज से ऊपर हैं तो ही आप कैपेबल हैं एक डॉक्टर बनने के, बिकॉज डॉक्टर के लिए यू हैव टू स्टडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, दे से। बिल्कुल सोदिया, बिल्कुल ये सही कहा डॉक्टर सिद्धांत सोलंकी ने कि वाकई ये बहुत मुश्किल है सबके लिए। सिर्फ ये सोच लेना कि हम डॉक्टर बनेंगे, फिर 4 किताबें पलट लेना, एग्जाम में बैठ जाना, इससे डॉक्टर कोई नहीं बनता है। इसके लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। डॉक्टर शलभ गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शलभ, आइए, मैं लगातार खुलकर सामने आया, तब से ये नीट का मामला सामने आया है, नीट पेपर लीक स्कैम का मामला सामने आया, तब से IIM लगातार खुलकर बोल रहा है। CBI के पास जब इसकी जांच गई तब भी IIM ने ये कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। IIM ने कई सवाल NTA से भी पूछे हैं। इस वक्त IIM की डिमांड क्या है, क्योंकि जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक IIM कानून बनाने की डिमांड कर रहा है। जी मैडम, एक्चुअली जैसे ये लीक हुआ तभी हमारा एक प्रेस रिलीज हुआ 8 तारीख को, 8 जून को, जिसमें हम लोगों ने 6 सवाल उनसे बोले। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये बोला कि जब ये पेपर लीक हुआ तो हमें इसकी फेयरनेस के ऊपर एक सवाल उठता है, और हमारा ये डाउट बिल्कुल सही उतरा, क्योंकि जिस समय ये सब चीज़ें हुई तो यही स्टेटमेंट आया कि इसमें कोई लीक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि लीक तो हुआ है। दूसरी चीज़ में कई और चीज़ें भी जुड़ी थी जो हमने सवाल उठाया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो थे वो अनएक्सपेक्टेडली 2 दिन पहले खोल दिए गए, और फिर उसके बाद वो भी एक सस्पिशन के घेरे में आया। ट्रांसपेरेंसी किसी भी आंसर शीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है।
अगर इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनको अवॉइड कर दिया जाए, या इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक इसके स्कोरिंग में डाल दें, तो एक सवाल उठता है इस चीज़ पे भी। तो हमने तीसरा सवाल इस चीज़ पे भी उठाया कि जो आंसर शीट्स हैं उसमें जो इनएक्यूरेसी हैं उसको भी एक जाँच करी जाए। फिर उसके बाद जैसे कि सब लोगों ने बताया कि एक सस्पिशियस स्कोरिंग हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चों के 720 में 720 नंबर आए, और एक ग्रेस मार्क का नया कंसेप्ट इसमें डाला गया, ये सवाल भी हमने उठाया। और कुछ सवाल हमने उठाए जो कि सेंटर से रिलेटेड थे, क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग हो सकता है एक बहुत अच्छी जगह बैठा हो जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और दूसरी तरफ हो सकता है ओवर क्राउडिंग हो, प्रॉपरली सीटिंग अरेंजमेंट ना हो, तो वहाँ पर भी बच्चे के मेंटल लेवल के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के सवाल हमने उनसे उठाए थे और हमने एक जाँच की मांग करी थी, और जाँच अल्टीमेटली हुई और गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट करा एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये नहीं कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और शायद इसी के होते हुए उन्होंने नीट पीजी को भी जो अभी रोक दिया कि एक बार हम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आएंगे और उसके बाद हम उसको एग्जाम को कराएंगे। तो मेरा मानना मैडम ये है, और आईएमए की तरफ से हमने यही चीज़ रिलीज करी थी, लेटर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बिल्कुल डॉक्टर शलभ, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि इस वक्त नीट को लेकर जिस तरीके की बातें भी सामने आ रही है उनको सबको आपने एक सार में पिरोकर एक बात बता दी। लेकिन डॉक्टर प्रेरक के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं एक बार फिर से धनंजय जी के पास आना चाहूंगी। धनंजय जी, कुछ सवाल हैं लोगों के जो लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ फिल्टर करके एक सवाल मैंने निकाला है जो हमारी इस वक्त बातचीत हो रही है उसमें शायद कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन भी हो गया है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो सपने देखना छोड़ दो, तोड़ दो, वो क्लियर क्या होता है कि सपने तोड़ने वाली बात नहीं है। एक इंडिया के अंदर लिमिटेशन की चीज है। इंडिया में 400,000 डॉक्टर लगते हैं, अभी कमी है, ठीक है। दो प्रॉब्लम है इंडिया में। एक है कि जो 75% ऑफ द डॉक्टर्स आर इन अर्बन एरिया and 25% of the doctors are working in rural area, though the population is skewed the other way, ठीक है, population 65% rural में है, 35% urban में है। दूसरा जो WHO का requirement है उसके हिसाब से 400,000 doctor minimum चाहिए इंडिया में। So requirement और आपके aspirations match हो रहे हैं, but जो infrastructure to produce doctors is lacking in India, ठीक है। आज रातों रात तो 700 कॉलेज का 2000 कॉलेज तो बन नहीं जाने वाली है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। सो इस सिचुएशन में आप उसके लिए रुक नहीं सकते। आपके पास अगर 24 लाख लोगों के ड्रीम है डॉक्टर बनने के, पर 1,00,000 ही सीट हैं, तो आप कैसे अपने सपने पूरा करोगे? सो एक्चुअल रियलिटी को अपने सपने के साथ में दोनों को देखना बहुत जरूरी है। और मेरा इतना ही कहना है कि आपका सपना अगर डॉक्टर बनने का है तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं। पर अगर रियलिटी को देखते हुए अगर आपकी रैंक 10,00,000 हो और फिर भी सपना वही रहेगा, तो फिर वहां पे करियर में कंफ्यूजन होना बहुत ही नेचुरल चीज है। बिल्कुल ठीक है, मेरा इतना ही कहना है। बिल्कुल, जिद और जुनून के बीच में आपको प्रैक्टिकलिटी यानी फैक्ट्स के साथ चलना होगा। बिना प्रैक्टिकलिटी और फैक्ट्स के साथ चले आपके कोई इमोशंस, आपकी कोई जुनून, आपकी कोई जिद काम नहीं कर सकती है। आप बस इतना कर सकते हैं कि आप अपना 100% दे सकते हैं, 1000% दे सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरा सभी बच्चों के लिए एक सवाल है। अगर आप जब 10th में आपने आए 15-16 साल की उम्र में, तभी आपने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, करेक्ट? आप एक किसी के पास गए, डॉक्टर के पास गए, या कोई कोचिंग क्लासेस के पास गए कि भैया मुझे नीट की तैयारी करनी है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसका तो उस टाइम पे अगर आपको इसकी सच्चाई पता हो कि भाई ये एग्जाम जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन इंडिया, ये एग्जाम में 24,00,000 बच्चे बैठते हैं और सिर्फ 55,000 गवर्नमेंट सीट है, उसमें से आधी जनरल है आधी रिजर्व्ड है, अगर ये चीज तू ध्यान में रख के फिर तू डॉक्टर बनने का तू डेफिनेटली देख, ये चीज इंडिया में लैकिंग है आज की तारीख में। आइडियल सिचुएशन ये है कि ड्रीम फॉर्म जब हुआ तब रियलिटी उनको पता नहीं होती है, इनकी एंट्री होती है
जब ये दो साल निकल चुके होते हैं तब, तो अगर पहले ही पता होता तो बहुत बेटर होता। तो काफी लोग जो अभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, शायद बहुत लोग तभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि भाई मैं मेरे क्लास में टॉपर नहीं हूं, मैं मेरे स्कूल में टॉपर नहीं हूं, हर बच्चा तो टॉपर नहीं हो सकता, तो मैं देश का टॉपर कैसे बनूंगा, क्योंकि हियर यू हैव टू बिकम अ टॉपर इन द कंट्री एक्चुअली। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धांत सोलंकी, हम बात अब्रॉड में एडमिशंस की कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या किस तरीके से एमबीबीएस अब्रॉड में हम वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये सब कुछ अगर आप बताना चाहें। सबसे पहले आपको अपने होम कंट्री से परमिशन लेनी होती है, मतलब कि जैसे क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। तो एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, मेरे टाइम पे होता था, अब सिर्फ जो नीट, अब जो नीट का रिजल्ट है वही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है आपका, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वही आप एडमिशन ले सकते हैं अब्रॉड में। अब्रॉड में उसका कोई एक स्पेसिफिक नंबर या ऐसा कुछ नीट में? वो कट ऑफ ईयर टू ईयर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे कि हाई मार्क्स हो गए, ठीक है, टॉपर क्या हो गए, एंड आफ्टर लाइक 200 मार्क्स यू आर क्वालिफाइड और यू आर नॉट क्वालिफाइड, बिलो दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो यहां पे ये चीज तो तय हो गई, बिना नीट यूजी एग्जाम के आप अब्रॉड नहीं जा सकते, इसके लिए क्वालिफाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है, ओके या सो दिस ईयर का जो स्कोर है वो 164 है, तो अगर आपके मार्क्स 164 से ऊपर हैं तो ही आप अब्रॉड जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। सो पहली परमिशन तो ये आपको अपनी गवर्नमेंट से लेनी होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है ऑन सिलेक्शन बेसिस, कि वो किस वो ट्वेल्थ के मार्क्स को भी देखते हैं, क्योंकि उनके उनको नहीं पता कि व्हाट इज नीट यूजी एंड उसका पैटर्न क्या होता है, उनके लिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ही सब कुछ होता है, ट्वेल्थ और टेंथ, तो उनके मार्क्स पर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो उन मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेती हैं। सो प्रोसेस इज वेरी इजी, एंड कंसल्टेंसीज होती हैं जो आपका एडमिशन कराने में हेल्प करती हैं अब्रॉड में, यूनिवर्सिटीज आपको बताती हैं बेटर हैं, कौन सी अच्छी हैं कौन सी नहीं है। सो इट्स ऑल जो परमिशन है दैट्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट फर्स्ट विच यू हैव टू टेक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको वापस प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके पास वो परमिशन नहीं है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अच्छा, वो परमिशन नहीं है आपके पास तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। फीस की अगर हम बात करें एग्जैक्टली, क्या फीस इंडिया में, इंडिया से ज्यादा फीस या फिर थोड़ा सस्ता कुछ इस तरीके से? अगर हम एक्चुअली अगर देखिए गवर्नमेंट में तो फीस नहीं होती है, इट्स अप टू लाइक यू नो देयर इज नो फीस। प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं अगर हम मेडिकल कॉलेज इंडिया में और बाहर की यूनिवर्सिटीज में, तो फीस बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख-30 लाख तक आपके MBBS कंप्लीट हो सकती है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, बट 70 लाख इज व्हाट आई हैव हर्ड, कि अप टू 70 लाख, एंड 70 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ने ओपन किया हुआ है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं और आप जा सकते हैं तो इट्स अ सोर्स ऑफ एजुकेशन। धनंजय जी, इस वक्त लोगों के कई सवाल हमारे साथ हैं, कई तरीके के सवाल वो पूछ रहे हैं, उनमें एक सवाल जिसका जवाब शायद हम अभी नहीं दे पाएंगे वो ये पूछ रहे हैं कि क्या रीनीट होगा या कुछ और डिसीजन होगा, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से हम धनंजय जी, एक जो इस वक्त सोसाइटी में एक बात चल रही है वो ये कि अगर मेडिकल जैसी परीक्षा में भी धांधली होनी शुरू हो जाएगी तो वो किस तरीके से कौन सा प्रोफेशन अपनाएंगे, क्योंकि आज मेडिकल में स्कैम होगा, कल किसी और प्रोफेशन में स्कैम होगा, इन सभी चीजों के लिए आप खुद क्या मानते या सोचते हैं? मेरा ये बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि स्टूडेंट शुड कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, आप ज़्यादा फोकस मत। मुझे पता है कि वो जो 10% लोग हैं जो अफेक्टेड हैं वो इस चीज़ को कभी लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं। मेरा इतना ही कहना है कि 90% लोग अपना ऑनेस्ट बन जाओ, ये सब चीज़ों से दूर रहो, अपना करियर फॉर्म करने के लिए उसके सॉल्यूशंस ढूंढो। आप किसी चीजों के अंदर, ये देश आप अभी चलाओगे अभी नहीं चला रहे हो, चलाने वाले बैठे हैं, अभी मत सोचो आप इतना, अपनी करियर बनाओ। यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। दोज पीपल हु आर अफेक्टेड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट विल टेक इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दे विल टेक द एक्शंस। नीट चाहे जरूरी लगे दोबारा लेने की तो दे विल बी ऑनेस्ट इनफ टू टेक इट। इफ दे फील दैट नहीं, ये अभी सिस्टम को ठीक करने का टाइम है, नीट अभी नहीं ले सकते क्योंकि यार मेडिकल कॉलेज चालू नहीं होगी नवंबर दिसंबर तक, अगर इंडिया की भी बच्चे फॉरेन जाने वाले हैं इतने,
कि वो भी नहीं जा पाएंगे, इंडिया के पूरा एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। सो बहुत चीजें असर हो जाएगी, और बाकी के जो 23 लाख लोग हैं जिसको असर नहीं हो रही है उनके ऊपर भी असर आ जाएगी अगर रीनीट है तो। सो अपने अपने सेल्फिश मोटिव के ऊपर मत बैठो, ऐसा मेरा, जो जो भी लोग इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई करो रीनीट होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो भी होगा गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ो, आप अपनी सोचो और अपना मूव करो, अपना कदम आगे बढ़ाओ, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल, बातचीत का सार दरअसल यही है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने लिए मत लड़िए, आप इंसाफ के लिए आवाज मत उठाइए, जो गलत हो रहा है आप उसके लिए मत बोलिए, ऐसा ऐसा कुछ इस प्लेटफॉर्म से आपको नहीं कहा जा रहा। बात सिर्फ इतनी है कि जब एग्जाम्स हो गए आप उस एग्जाम से खुश नहीं है, अब ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, जो फैसला आएगा वो आएगा, लेकिन इस बीच आपका वक्त बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो, और आपके करियर में एक तरीके का कोई ऑब्स्टिकल ना आए, इसकी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस वक्त आपकी एक काउंसलिंग हो जाए, और हम वही काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे, दीपक पूछ रहे हैं, व्हेन अप टू व्हेन कैंडिडेट कैन टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। देखिए उसके दो एडमिशन प्रोसेसेस होते हैं, दो कोर्सेज बेसिकली, दो बार आप एडमिशन ले सकते हैं। एक तो होता है सितंबर वाला बैच जिसमें सितंबर अक्टूबर में वो स्टार्ट होता है, और आप अभी इसी टाइम पे जुलाई जून जुलाई में एडमिशन्स होते हैं। दूसरा एक बैच होता है जो फरवरी मार्च में स्टार्ट होता है, जिसके एडमिशन प्रोसेस नवंबर दिसंबर जनवरी में होते हैं। सो बेसिकली एवरी सिक्स मंथ्स यू कैन टेक एडमिशन, वहाँ पे दो बार एडमिशन्स होते हैं साल में। इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो दो इनटेक वाला चीज है वो हर जगह नहीं होता। जैसे रशिया में सितंबर में जो एक ही इनटेक होता है, जैसे जॉर्जिया में दो इनटेक होते हैं, पर मेजॉरिटी जो मैंने देखा हुआ है आज तक जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, कि अगर उसने ये डिसाइड किया कि भाई मैं मार्च के अंदर मैं देख लूंगा, अभी का टाइम निकल गया अभी मैं मार्च के लिए, तो फिर पेरेंट्स का बहुत ही एक्सपेक्टेशन ये होता है कि यार और एक बार तो मई में तो नीट है, अब ये मार्च में जाएगा उसके बदले, तो वो जो रेशियो रहता है वो 90:10 का ही रहता है। जनरली 90% सितंबर अक्टूबर में निकल जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो 2.5 महीने का प्रोसेस है। इसका मतलब है कि वी आर ऑलरेडी इन जुलाई, इफ यू टेक योर डिसीजन इन द मंथ ऑफ यू नो बाय 10th of July, 15th of July, यू कैन स्टिल एम टू गो इन द सितंबर अक्टूबर बैच, बट द मोमेंट यू डिले योर डिसीजन देन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम मार्च, बिकॉज यू ये 2.5-3 महीने में आपके एडमिशन ऑफर आते हैं, आपका इनविटेशन लेटर मिनिस्ट्री से इश्यू होता है, फिर वीजा लेना पड़ता है, आपके पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव पासपोर्ट, सो उसके लिए सो टाइम प्रोसेस उसका 2.5 महीना पकड़ के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर शलभ, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी मैं, क्योंकि कई जगहों से ये खबरें भी सामने आ रही थी काउंसलिंग्स को लेकर, जिसमें एक सवाल मेरा आपका होगा, क्योंकि आपने सरकार से IMA की तरफ से सरकार से दरअसल ये मांग की भी गई थी कि मेडिकल और डेंटल या फिर जो भी पाठ्यक्रम है उसके लिए जो काउंसलिंग्स है वो टाइम पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैडम काउंसलिंग तो बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं नीट UG हो चाहे PG हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना ये पोस्टपोन होती रहती है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल फंक्शनिंग पे आता है। जब मिडिल कॉलेज में एक बच्चा घुसता है तो उसको कोर्स ड्यूरेशन से कॉम्प्रोमाइज करना, 11 महीने फिर कभी 10 महीने में हमें करना पड़ रहा है, तो एक तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन कम हो जाती है उसकी, और यही चीज़ इफेक्ट होती है पोस्ट ग्रेजुएट जब नीट PG का एग्जाम होता है, और जो जो बच्चा जुलाई से सेशन जिसका स्टार्ट होना होता है वो अगर दिसंबर में घुसेगा तो 6 महीने का जो डिफरेंस होता है उसमें क्या है कि उससे सीनियर बैचेस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके जूनियर डॉक्टर्स आए नहीं होते 6 महीना, तो उनको उन जूनियर डॉक्टर्स का भी काम करना होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब चीज़ें एक प्रॉपर सोची समझी हिसाब से और एक प्रॉपर गाइडेंस से फुल प्रूफ मैकेनिज्म के साथ एक कैलेंडर बनाकर एग्जाम होना चाहिए, और जिसमें कोई इफ एंड बट ना हो कि एग्जाम लीक होने का या एग्जाम दोबारा कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक हम लोग एक विकसित देश में हैं, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हमारा देश कोई पिछड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ इतने जबरदस्त ब्रेन्स हैं, और जब हम किसी एजेंसी को हायर करते हैं एग्जाम कराने के लिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रॉपर फुल प्रूफ सिस्टम के साथ एग्जाम कराए, एग्जाम तो बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शलभ, एक सवाल मेरा और होगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नीट को लेकर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, IMA इस वक्त कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है?
मैडम आईएमए के साथ में हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, एक्चुअली हमारे पास ये 12 से नीचे के बच्चे होते नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं। अब की बार इशू हम लोग को बोला और हम लोग को भी फील हुआ, एज अ पेरेंट भी फील हुआ हम लोग को, तो हम लोगों ने इस इशू को उठाया। हमारे पास बच्चे जिनको हम डील करते हैं वो MBBS ऑनवर्ड्स होते हैं, चाहे वो MBBS हो, MD हो, MS हो। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो उठ के आ रहा है वो बेसिकली इनके मेंटल हेल्थ का है, जिसमें सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। अब वो सुसाइड जो बढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी करी है और हम लोग जगह जगह जाकर बच्चों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और बच्चों को समझा भी रहे हैं कि भाई आप स्ट्रेस आउट नहीं हो, डोंट बर्न आउट योर सेल्फ, आप एक एंजॉय करो पढ़ाई को पूरा, यू हैव कम हियर टू सर्व द नेशन। ये एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें हर एक किसी को ये सोच के चलना पड़ेगा, दे हैव टू सर्व द नेशन। आज की तारीख में उतना लुक्रेटिव जॉब नहीं रहा है ये डॉक्टर्स का, माफ कीजिएगा, इसमें पैसा जो लोगों को दिखता है उतना पैसा है नहीं, क्योंकि ज्यादातर व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ले ली है जो कि डॉक्टर्स नहीं है, कॉर्पोरेट हाउसेज आ गए हैं जिन लोगों ने पूरी पूरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास में रख लिया है, वो डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं उनको सैलरीज पर और वो लोग उनको एक मौका देते हैं कि भाई आप काम करो हमारे लिए। ऐसे बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं जिनके खुद के बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हों, छोटे मोटे नर्सिंग होम्स चलते हैं, वो मेरे ख्याल से बून है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हर एक आदमी बहुत ज़्यादा पैसा दे के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकता और साथ ही साथ सभी का मेडिक्लेम नहीं होता। तो छोटे तर्ज के ऊपर छोटे नर्सिंग होम्स हमारे सक्सेसफुल हैं, लेकिन अब उनकी भी तादाद धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है क्योंकि नियम कायदे कानून इतने हैं कि वो लोग भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ये एक छोटा सा इशू है जिसको कि सबको फेस करना पड़ेगा और जैसे अभी बात हुई है कि हर एक पेरेंट को सोचना पड़ेगा, सबको डॉक्टर नहीं बनाना है, और भी प्रोफेशंस हैं जिसमें उनको वेंचर कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी लेके आप MBBS कर सकते हो, 1,09,000 सीट्स हैं, डेंटल कर सकते हो, 28,000 सीट्स हैं, उसके अलावा आयुर्वेदिक और बाकी अलाइड साइंसेज हैं उसमें आप जा सकते हो, उनकी सीट्स हैं करीब 50,000। लेकिन बाकी बच्चों का क्या, जिन्होंने बायोलॉजी लिया उनके लिए क्या आगे भविष्य है, तो केवल बायोटेक्नोलॉजी रह जाता है। तो इसलिए बहुत सोचना पड़ेगा लोगों को भी कि एक अच्छी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है उनको, नॉट टू गो एंटायरली इनटू मेडिकल, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दिस डेज जो कि जिसका मजा लेना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में कुछ दो सवाल मेरे हैं, चूंकि जब आप बोल रहे थे डॉक्टर शलभ कि अब इस प्रोफेशन में उतना पैसा रह नहीं गया है, तो धनंजय जी मुस्कुरा भी रहे थे, मुझे लगता है आपकी कुछ बातों से इत्तेफाक रखते हैं वो, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, डेफिनेटली चैलेंजिंग है, बट मेरा एक ही चीज कहना है कि जो भी करो वो अच्छा करो तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन के आ ही जाता है, ठीक है। सो पैशनेटली जो भी करता है उसको पैसे का सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितना हो उतना कम ही लगता है, पैसा चीज़ ही ऐसी है, बट अदरवाइज अगर आप हैप्पी हो, जो काम कर रहे हो उसमें हैप्पीनेस मिल जाती है तो पैसा सेकेंडरी हो जाता है। एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बात हुई डॉक्टर सोलंकी को, जो आपने सवाल पूछा था कि कंसल्टेंट या एडमिशन एजेंट के पास से फॉरेन जाना, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों को ये बता दूं कि 4.5% जैसे पहले बात हुई, दे आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन इंडिया, अराउंड 52% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गो अब्रॉड एंड बिकम अ डॉक्टर एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर अबव क्वालिफाइड नंबर्स 164 के ऊपर, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी सबके पास है, बट गलती क्या होती है, हम एडमिशन एजेंट के पास जाते हैं एडमिशन लेने को। एक चीज याद रहे, मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है, शायद एक ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एंट्री इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट एग्जिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि आप एंटर नीट यूजी से हुए, एग्जिट आपको नेक्स्ट या तो USMLE या तो MRCP, ऐसा कोई भी आपका। तो ये जो पॉइंट है, अगर बच्चे लोग यहाँ पे गलती ना करें तो मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया में ऐसा कोई बच्चा है जिसको पैशन है और वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, मैं USMLE एग्जाम्स के बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इसका प्रोसीजर है, क्या एवरेज स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त क्रेज है वो अमेरिका में वो पढ़ने का, मेडिकल पढ़ने का है। इसके दो तीन कारण हैं पल्लवी जी, क्योंकि इंडिया में जो पोस्ट ग्रेजुएट की चीज, ये तो यूजी वाला मामला हो गया, अब पीजी में जब आओगे
तो मुश्किल से 24,000 सीटें हैं, उसमें से 12,000 गवर्नमेंट में हैं। अच्छा, 12,000 बचती हैं फिर? हाँ, बचती 12,000 ही गवर्नमेंट में सीट हैं, और उसमें करीबन सर बता सकते हैं कि कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो 50 ब्रांचेस होती हैं, कोई डर्मेट होता है, कोई ऑर्थो होता है, कोई गायनेक होता है, बहुत सारे स्पेशलिटीज हैं। तो बहुत कम सीटें हैं फॉर एवरी स्पेशलिटी। और बच्चा जब सपना लेके 11वीं में तैयारी करता है, तो उसको हम जब सवाल पूछते हैं क्या बनेगा बेटा, तो वो डॉक्टर नहीं बोलता कभी, वो बोलता है सर मुझे कार्डियो बनना है, सर मुझे न्यूरो बनना, उसको आगे का कुछ समझ पता नहीं है, बट वो सपना उसका अंदर बैठा हुआ है, मुझे गायनेक बनना है। सो गर्ल्स दे प्रेफर मुझे गायनेक बनना, जस्ट आई एम शेयरिंग दैट। बट होता क्या है कि जब वो अंदर MBBS करने जाता है, तो पहले तो ये वाला प्रॉब्लम देख लेता है, NTA का प्रॉब्लम, फिर NEET UG क्लियर कर लिया, चलो अब बच्चे अब्रॉड बनने के लिए, सारे बच्चे डॉक्टर, एवरीबडी कैन बिकम अ डॉक्टर, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन रियलिटी जो क्वालिफाइड है, ठीक है। अब चैलेंज कहाँ आता है? एग्जिट एग्जाम में। जैसे अगर आप लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, FMG में 1,22,000 डॉक्टर ने एग्जाम दी थी, इसमें से सिर्फ 23,000 डॉक्टर लाइसेंस्ड फिजिशियन बने जो काम कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, लास्ट 10 साल का हिस्ट्री बता रहा हूं, यू कैन गूगल इट आउट। सो सपना था, एडमिशन लिया, एडमिशन एजेंट के थ्रू लिया, उस वो लोग तभी ये भूल गए कि मुझे एग्जिट भी करना है, तो उस एग्जाम का तैयारी मेरा पहले साल से होना चाहिए। सो अगर अभी आपको करियर प्लानर चाहिए, एडमिशन एजेंट नहीं चलेगा। और गांव-गांव में पेरेंट्स को क्या होता है, अच्छा देखो अपने गांव में कौन गया हुआ है, उस वो किसके थ्रू गया हुआ है, उससे पता करो, उससे पता करो। अब वो उनको पता नहीं है कि वो भी अटका तो मैं भी अटकूंगा। सो यू नीड एक करियर बनाने के लिए एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है। हम इंडिया में मोबाइल खरीदते समय सोचते हैं कि कौन सा अच्छा, इसमें क्या फीचर है, हम अपनी खुद की करियर बनाने में क्या क्या चाहिए, उसके लिए डिजाइनिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चाहिए आपको। ये बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है इंडिया में। सपनों को पूरा करने के बीच में एक एडमिशन एजेंट, वो अपनी उसकी करियर बन जाती है, एजेंट की करियर बन जाती है, बच्चे की बने या ना बने। तो वो वाले हाल में अभी आज की तारीख में है। यू मस्ट आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, किसी एजेंट ने कनेक्ट किया या आपने किसी ने कनेक्ट किया, भैया आप मुझे एंट्री का बात कर रहे हो, पहले मुझे एग्जिट का बताओ, तो मैं बाकी के 20-25-30 लाख मेरे पेरेंट के खर्चा करूं, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं है। तो मुझे सॉल्यूशन दो, ये मत सुनना कॉलेज वाला तेरे को नेक्स्ट के लिए तैयारी कर देगा। अरे भाई ऐसा होता तो 10 साल में क्यों ऐसे रिजल्ट आए। मुझे मेरे सपने USMLE के हैं, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है US में, दैट पेज यू ऑलमोस्ट 55 लाख ऑफ स्टाइपेंड एवरी ईयर, ओके, ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन US में। और इंडिया में प्राइवेट में करीब करीब 1.5-2 करोड़ का खर्चा हो जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल, वो इसलिए आज की तारीख में अभी प्रेफर करते हैं अमेरिका। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं अब्रॉड, मोक्ष को जितने कनेक्ट करते हैं, वो यही पूछते हैं, सर मुझे MBBS का वैल्यू अभी समझ में आ गया है, मुझे मेरे सपने पोस्ट ग्रेजुएट तक के हैं, तो मुझे कंप्लीट रास्ता प्लान करके बताओ, और मुझे US में सेटल होना है, US में मुझे PG करना है, और वहां पे मैं जो मैंने MBBS में खर्चा किया पेरेंट्स का पैसा, वो मैं रिटर्न करना चाहता हूं। अच्छा, ये कितना आसान होता है फिर स्टूडेंट्स के लिए? यू वोंट बिलीव दिस, एवरी स्टूडेंट शुड गो थ्रू USMLE.org, उसके फुटर पे चले जाओ वेबसाइट के, उसमें लास्ट 10 साल के डेटा दिए हैं, परफॉर्मेंस डेटा करके दिया हुआ है। देयर आर टू एग्जाम्स, USMLE स्टेप 1 एंड स्टेप 2 CK, ठीक है, ये दो एग्जाम जो क्लियर करता है वो इसी FMG अप्रूव का सर्टिफिकेट मिलता है, दैट्स अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन व्हिच अलाउज यू टू प्रैक्टिस अक्रॉस द ग्लोब। और उस डेटा जब, तो स्टेप 1 का एवरेज पासिंग रेशियो लास्ट 10 साल का 92% है, और स्टेप 2 CK का लास्ट 10 साल का आप खुद ही चेक कर सकते हो, इट इज 96% एवरेज है। सो इतने लोग पास होते हैं, ये रास्ते नहीं पता होते हैं, इसी वजह से लोगों को तकलीफ आ रही है।
बिल्कुल, कुछ वक्त का इशारा है हमारी तरफ, लेकिन जल्दी जल्दी से इस बात को पूरा कंक्लूड करते हैं। मैं चलती हूँ एक बार डॉक्टर सिद्धांत सोलंकी के पास। डॉक्टर सिद्धांत, अभी इन सब में एक बहुत कॉमन बात निकल कर आई है, पैसा पैसा पैसा, पैसा कहाँ से आएगा पढ़ने के लिए। मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपका बैकग्राउंड, आप यू आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, और क्या किस आपका जो वो बैकग्राउंड है वो कैसा है पैसों को लेकर? या आई कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जॉब पापा जॉब करते हैं, मम्मी छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, तो इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा पैसा है, बट इतना है कि बाहर भेजना और बाहर से पढ़ाई करना अफोर्ड कर सकते हैं, 30-35-40 लाख वी कुड अफोर्ड इन 6 ईयर्स। ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं जिनका वो भी नहीं होता, दे गो फॉर एजुकेशन लोन्स। ठीक है, I'll tell you, जो हुआ, जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं, दे गो फॉर दैट कि एजुकेशन लोन्स लेते हैं अगर उनके, इफ दे आर रियली पैशनेट, क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेके अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो कि आपको 6 साल के बाद आके प्रैक्टिस करनी है, लोन वापस करना है। बट या दैट इज अ ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं, लेते हैं। इन माय केस इट वाज डिफरेंट। पहला जो साल होता है वो कितना चैलेंजिंग होता है जब हम अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं, कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है? आपने भी किया होगा अगर, तो वो शेयर करना चाहिए। डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप अपने घर वालों से दूर होते हैं, यू आर इन योर यंग टीनेज एज, लाइक 18-19 में ही आप होते हैं, तो नई लैंग्वेज, नया प्लेस, फॉरेन कंट्री, आपको खाना नहीं पता कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सेम मील्स आपको नहीं मिलते हैं, घर जाते हैं तो घर वाले नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से प्रेशर होता है कि भाई पढ़ना है ना, क्योंकि एक ये होता है कि आपको इंडिया में कॉलेज नहीं मिला है बट योर पैशन टुक यू देयर, सो आपको लोगों को प्रूव करना होता है अपने आप को कि हाँ आई कैन डू दिस with respect to passing your exams, and also lot of pressure is there, all these things I experienced. Uske alawa ek aur pressure hota hai ki you have to manage your finances as well. Matlab aap India mein dekhiye to 25 ke baad log apna finance manage karna shuru karte hain kyunki salaries tab aane shuru hoti hain, right? But jab aap abroad jate hain ya kahin kisi bhi aur country mein bahar padhne jate hain to aapko ghar se ek limited amount milta hai, so you develop that financial abilities to कि हाँ हाउ कैन आई स्पेंड वाइसली, सो इट मेक्स यू अ होल ऑफ अ मैन, लाइक यू नो यू लर्न अ लॉट, यू एक्सपीरियंस अ लॉट देयर। बिल्कुल, तो कुछ करना अगर होता है तो उसके लिए बहुत कुछ खोना होता है। डॉक्टर शलभ के पास मैं जाना चाहूंगी, बहुत छोटा सा जवाब सर आपका मुझे चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, आप खास करके नीट स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल मेरा आपसे होगा कि आप उन सभी स्टूडेंट्स को जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं एडवाइस क्या करना चाहेंगे? थैंक यू मैडम। सारे बच्चों को मेरी तरफ से ये संदेश रहेगा कि एक तो डिसहार्टन बिल्कुल भी नहीं होना है, ये जो मेडिकल की शिक्षा है ये बहुत ही पेशेंस के साथ करी जाती है, बाकी एजुकेशन प्रणालियों की तरह नहीं है ये। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल भी ना खोएं, और अगर आपने अगर एम लिया है डॉक्टर बनने का तो उस एम को जरूर पूरा करें, और उसमें जहाँ पर भी IME की जरूरत पड़ेगी आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े हम आपको देंगे, 24/7 देंगे। लेकिन बिल्कुल भी मेंटल स्ट्रेस में नहीं जाना, जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, और एक बार अगर आपने ठान लिया कि डॉक्टर बनना है और आप डॉक्टर बन गए, आई टेल यू स्काई इज द लिमिट, आप पूरा प्रोफेशन बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, लोगों को आप ठीक करते हैं, उनकी दुआएं बहुत अच्छी मिलती हैं हमें, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो। थैंक यू। धनंजय शाह जी के पास मैं जाना चाहूंगी सर, छोटा सा जवाब आपका बिल्कुल, क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म से मेडिकल स्टूडेंट्स और खासकर से नीट स्टूडेंट्स के लिए? आई मोर देन एडवाइस, आई विल ओनली सजेस्ट देम दैट फोकस ऑन योर ओन डिसीजंस, स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्शियल थिंग्स, दैट्स ऑल आई हैव टू से टू देम करंटली। थैंक यू, बहुत सही बात कही। डॉक्टर सिद्धांत हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धनंजय सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शलभ गुप्ता जुड़े हुए थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर प्रेरक जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी कोशिश थी कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जो आपको ये समझाने की कोशिश करे कि आखिरकार आपको आगे जाकर करना क्या है, वक्त बर्बाद नहीं करना है, चीजों को समझना है, इधर उधर नहीं जाना है। और इस पूरे वीडियो को एक बार आप देखिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स और नंबर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ ही ये वीडियो अपने साथियों को शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि ये उनके भी फ्यूचर का सवाल है आपके साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े, और आपके इतने प्यारे प्यारे और इतने अच्छे सवालों के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।